राधा वल्लभ श्री हरिवंश हरतालिका तीज के इस एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण विधियां बताने वाली हूं, जैसे कि पूजा के संकल्प से लेकर के विसर्जन और पारण तक। उसके पहले जैसे कि बीच में चारों प्रहरों के लिए हवन कैसे और कब किया जाता है, इसके बाद सुहाग लेने की विधि कब और कैसे करनी है, चीर कैसे बांधा जाता है और पारण से पहले दान दक्षिणा कैसे किया जाता है, फिर पारण कैसे करना है। तो आपके व्रत और पूजा करने की मेहनत सफल हो इसके लिए हर एक नियम को ध्यान से जरूर सुनिएगा, कोई भी नियम आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा की जाती है, तो गमले की मिट्टी से ही आप छोटे छोटे शिवलिंग बना लीजिएगा और हल्दी की गांठ से गौरी माता बना सकते हैं, सुपारी से श्री गणेश की स्थापना कर सकते हैं, नहीं हो तो जो भी आपके घर में शिवलिंग हो शिव परिवार की फोटो उसमें पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले पूजा की कोई भी विधि शुरू करने से पहले अपने आप को पवित्र करना जरूरी होता है। हमने कैसे वस्त्र पहने हैं क्या है, तो अपने ऊपर 3 बार जल डाल लीजिएगा कुश की मदद से गंगा माता का ध्यान करते हुए। फिर आचमन किया जाता है तो निर्जला व्रत तो जल पीना नहीं है, उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डाल करके मुख में छुआ करके जल गिरा दीजिए। इसके बाद कलश स्थापना के लिए अष्टदल कमल बना लीजिएगा, उसके कलश में जो है मौली धागा जरूर बांध लीजिएगा, गले में वस्त्र स्वरूप होता है ये, और स्वास्तिक बना लीजिएगा। उसके अंदर जल डालने के बाद चावल फूल हल्दी सुपारी और फिर आम के पत्ते लगा करके कोई अनाज रखा जाता है, चावल गेहूं कुछ भी रख सकते हैं। दीपक रखने के साथ ही दीप कलश बन गया। अब बेल पत्र के ऊपर गौरी गणेश को आसन दीजिएगा, ठीक है। फिर दीपक प्रज्वलित करने के बाद संकल्प लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि 2 बार संकल्प होता है, एक बार भूखे रहने का सुबह और एक बार पूजा करने का शाम के समय जब पूजा करते हैं, ठीक है। तो हाथ में चावल फूल लेकर के जल डाल लीजिएगा या फिर केवल जल भी डाल करके ले सकते हैं। बोलिएगा कि मैंने जो हरतालिका तीज का व्रत किया है पति की लंबी आयु की कामना से, उसके लिए गौरी गणेश और भगवान भोलेनाथ और कलश पूजन करने का संकल्प लेती हूँ, ऐसा बोल करके संकल्प रख दीजिएगा। कुछ आप उठा सकते हैं पूजा के लिए। फिर आप पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले सभी देवी देवताओं को बुलाएंगे, उनका आवाहन करेंगे, हाथ में चावल फूल लेकर के बोलना है कि हे गौरी गणेश, हे भगवान भोलेनाथ और कलश के सभी देवी देवताओं, हरतालिका तीज व्रत के पूजन हेतु मैं आपका आवाहन करती हूँ, तो कृपया करके यहाँ आकर के आसन स्वीकार करें और हमारी पूजा विधियां स्वीकार करें, ऐसा बोल करके गंगणपतये नमः गौरी देव्ये नमः और शिवाय नमः वरुणाय नमः बोलते हुए ध्यान कर लीजिएगा। फिर पूजा शुरू करने के लिए श्री गणेश से ही पूजा शुरू करनी है, 4-4 बार जल अर्पित किया जाता है, ठीक है। पहले चरण धोए जाते हैं, फिर आचमन अर्घ और फिर स्नान के लिए जल अर्पित किया जाता है। सभी को 4 बार जल अर्पित करें, भगवान भोलेनाथ को भी, और कलश में फूल की मदद से अर्पित कर दीजिएगा। फिर पंचामृत बना लीजिएगा, पंचामृतम स्नानम समर्पयामि ऐसा बोलते हैं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्धोदक स्नान पुनः जल से करवाना होता है। जैसे हम अपना श्रृंगार करते हैं नहाने के बाद वस्त्र पहनते, वैसे अब पूरा भगवान का भी श्रृंगार उसी तरह से करना है। पहले उन्हें वस्त्र अर्पित करें, ना हो तो मौली धागा अर्पित कर सकते हैं। वैसे मुख्य रूप से लाल वस्त्र जरूर होना चाहिए, फिर हम दान कर देते हैं तो दान का भी पुण्य मिल जाता है, और भोलेनाथ को सफेद वस्त्र अगर हो तो, ठीक है। तो वस्त्र अर्पित करने के बाद यज्ञोपवीत अर्पित कीजिएगा श्री गणेश को और भगवान भोलेनाथ को, ना हो तो कच्चा सूती अर्पित कर दिया। फिर श्रृंगार करना है, हल्दी और सिंदूर गौरी गणेश दोनों को लगाना है, भगवान भोलेनाथ को सफेद चंदन लगता है। अब गौरी माता के लिए जो भी आप श्रृंगार सामग्री लाए हो, जैसी आपकी मूर्ति होगी वैसा आप अर्पित कर सकते हैं। गौरी माता के हाथों में हल्दी जरूर लगानी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ होती है, जैसे कि शादी वगैरह में लगाई जाती है हल्दी, और यहाँ पे हम टॉप्स पहना रहे हैं, माला पहना रहे हैं, जैसा आप श्रृंगार करवाएं। पाँव में हल्दी लगा के महावर जरूर लगाना चाहिए, ठीक है, सिंदूर वगैरह भी लगा दें, और अक्षत अर्पित करें सभी भगवान को। फिर बेलपत्र अर्पित करना चाहिए, पूरे शिव परिवार को बेलपत्र अर्पित किया जा सकता है। पुष्प अर्पित करें अगर दूर्वा हो तो श्री गणेश को दूर्वा, लाल फूल गौरी माता को जरूर चढ़ाएं, एक लाल फूल की व्यवस्था जरूर करें। फिर धूप बत्ती जला करके धूप दिखाएं, दीपक प्रज्वलित करके दीप कर सकते हैं, या फिर चावल से भी दीप करने की भावना कर सकते हैं, ठीक है। धूप दीप करने के बाद जो है नैवेद्य जो भी आपने बनाया हो, गुजिया विशेष होता है तो मिठाइयाँ वगैरह आप भोग लगाएं, खीरा जरूर चढ़ता है फल में जो है, आप सेब केला जो भी है। भोग लगाने के बाद जो विशेष नियम होता है, घेरा लगा करके भोग अर्पित किया जाता है, 3 बार जल जरूर फेरें, आचमन कराएं,
लगाएं। इसके बाद जो है आप, अब भगवान को मुख शुद्धि के लिए पान अर्पित किया जाता है, तो पान के ऊपर हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची रख करके सभी को पान अर्पित करिएगा। दक्षिणा भी चढ़ाना बिल्कुल मत भूलना। और फिर जो है व्रत कथा पढ़ी जाती है, तो मैंने एक वीडियो में पूजा दिखाते हुए व्रत कथा सुनाई है, तो उसको प्ले करके आप कथा सुनने का भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। हाथ में जो चावल फूल लेंगे वो भगवान को अर्पित कर देना है। फिर हवन जरूर करना है, ये पहले प्रहर की पूजा में हवन हो जाएगा। जो चार प्रहर की पूजा करेंगे उसके लिए हम आगे बताएंगे। हवन में क्या होता है कि अग्नि प्रज्वलित करके अग्निदेव को नमस्कार कर लेना है। जल घुमाते हुए जो है चंदन पुष्प से अग्निदेव का हर बार पूजन जरूर करना है, ठीक है। और फिर आहुतियां देनी है, तो आहुतियों का मंत्र याद कर लीजिए, गंगणपतये स्वाहा, गौरी देव्ये स्वाहा, शिवाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा। इस प्रकार से सभी के लिए जो है आहुति दीजिएगा। और फिर जल घुमाते हुए हवन पूरा करना है। फिर जो है आरती की तैयारी करना है। आरती थाल में दीपक नीचे चावल जरूर रखिएगा, और जल घुमाते हुए चंदन पुष्प से दीपक की पूजा करके खड़े होकर के भगवान भोलेनाथ की आरती गानी चाहिए। आरती करके प्रदक्षिणा कीजिएगा, और फिर अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा याचना कीजिएगा बैठ करके, कि पूजा में गलतियां हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। अपनी मनोकामना कहना है। हाथों में फूल लेकर के भगवान को पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। अब यहाँ पे आपकी पूजा पूरी हो जाती है। आप बैठकर सभी लोग जो है भजन कीर्तन करिए। अब जो लोग जागरण करते हैं उनको दूसरे प्रहर की पूजा कब करनी है, 11 से 12 बजे के बीच में, ठीक है। तो क्या करना होता है, 5 उपचार से यानी चंदन पुष्प, धूप, दीप और कुछ भोग लगा दीजिएगा, फिर हवन किया जाता है। अगर आपके यहाँ 5 उपचार से पूजा नहीं होती, चंदन पुष्प नहीं लगाते, सिर्फ हवन करते हैं, तो आप हवन कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, अग्निदेव का पूजन करके आहुतियां देनी है, फिर से भजन कीर्तन में लग जाना है। फिर तीसरे प्रहर की पूजा होगी 2 से 3 बजे के बीच में, ठीक है। उसी प्रकार से 5 उपचार से पूजा करके हवन करना होता है, और फिर अंतिम यानी कि पारण करने के लिए अब पूजा होगी, ठीक है। तो अगर ये पूजा हमारे क्षेत्र में होती है 4:30 से 5:30 बजे के बीच में। सूर्योदय से पहले ही कहते हैं कि कौवा बोलने से पहले पारण कर लेना चाहिए। तो क्या करना है, स्नान करना है। सभी महिलाएं स्नान करके आएंगी और 5 उपचार से जरूर पूजा करेंगी अब, क्योंकि अब भगवान को विदा करना होता है। सम्मान पूर्वक पूजा करके विसर्जन विधि करनी होती है, ठीक है। तो पूजा यानी कि चंदन लगा दें, पुष्प चढ़ा दें, धूप बत्ती जला करके, दीपक कर करके, और फिर थोड़ा सा भोग जरूर लगा दें। अगर पका भोजन बन गया है पारण के लिए तो ठीक है, नहीं तो जो भी व्यंजन वगैरह बनाया भोग लगा करके हवन कर लें। हवन में जैसे पहले बताया, हवन करने के बाद जो है दोबारा से आपको आरती भी करना है। अब सुहाग लेने की विधि करनी होगी। तो क्या करना है, अपने आंचल की मदद से गौरी माता को सिंदूर लगाना है, और वही गौरी माता को लगाया हुआ सिंदूर जो है आंचल की मदद से अपने माथे पे लगा लेना है। इस प्रकार से 3 बार या 5 बार आप कर सकते हैं आंचल की मदद से। दूसरा आंचल का कोना पकड़िएगा। एक बार हम अपने माथे पे लगा लेते हैं, जूठा हो जाता है। दूसरा आंचल का कोना पकड़ के गौरी माता को लगाना है सिंदूर, और वही उसमें लगा रहता है थोड़ा सा, तो वही अपने माथे पे लगा लेना है। फिर जो है आपको चीर बांधना है, जो भी आप वस्त्र चढ़ाते हैं गौरी माता को, वो वस्त्र ले करके और थोड़ा थोड़ा सा फाड़ के और अपने साड़ी के पल्लू पर बांध लेना होता है, इसे चीर बांधना कहते हैं। और चूड़ी एक एक दोनों हाथों में आप पहले बाकी जो है ब्राह्मणी को दान करनी होती है, और जो भी बिंदी भी जरूर लगा लें। इस प्रकार से आपने सुहाग ले लिया। बार बार अपनी सुहाग की लंबी आयु की कामना के लिए प्रार्थना करें माता गौरी से। फिर विसर्जन विधि करनी होती है। हाथों में फूल लेकर के भगवान से ये बोलिएगा कि आप इस स्वरूप से अपने धाम को जाइए, लेकिन अपना आशीर्वाद हमेशा हमेशा हमारे साथ बनाए रखिएगा, ऐसा कह करके। और पीछे खिसका देना है गौरी गणेश को और कलश को, सभी को पीछे खिसका देना, यानी हमने उन्हें धाम भेज दिया। और अब पारण करने के लिए जो हमने खीरा चढ़ाया था, उस खीरे को उठाना है, काटना है और फिर खा करके पारण कर लेना है। यहाँ पे पूजा विधियाँ पूरी होती हैं। देखिए, अगर आपको पूजा से अब उठना है या आप पहले उठना चाहते थे जब 4 प्रहर की पूजा होती है, तो उठने से पहले जिस आसन पे बैठी थी उस आसन के नीचे का जल माथे पे ज़रूर लगा लीजिएगा। ऐसा करने से ही पूजा का पूरा फल मिलता है। और देखिए, भोजन करने से पहले क्या करना है,
भोजन से पारण करने से पहले सूखा अनाज जितना एक व्यक्ति खा सकता है, दाल चावल आटा सेवैयाँ पूरे मसाले नमक सही सब रख करके और फिर जो है पारण करना होता है। दान हम निकाल देते हैं तो संकल्प सा हो जाता है, ठीक है। फिर एक गाय को ढूंढ करके खिलाएं और एक कन्या को जो है दान दक्षिणा दे करके वही व्यंजन वगैरह सब रख करके और कन्या को खिला करके दे करके फिर जो है पारण करना चाहिए। जो आपने सुहाग सामग्री रखी है वो सभी व्यंजन ये सभी चीज़ें जो है दान करने के लिए रख दें। पान जो है आप विसर्जित भी कर सकते हैं, और जो सुपारी वगैरह हैं वो आप दान के लिए जो है मंदिर में जाके दे के आएंगे। तो चावल वगैरह चिड़ियों के लिए डाल दीजिएगा। इस तरह से जो है पूजा विधियाँ आपको करनी है। पान पे जो सुपारी वगैरह चढ़ाई जाती है वो भी जो है पंडित जी के लिए रख दी जाती है। फिर प्रसाद स्वरूप जो है आप ले सकते हैं या फिर फूल के साथ पान वगैरह विसर्जित कर दीजिए। इस तरह से आपको विसर्जन विधि करनी है। कई और वीडियो मैंने विस्तृत रूप से दिए हुए हैं तो देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।